ब्रोमियम, कॉमन नेम ब्रोमीन एंड इट इज़ ए एलिमेंट. इट एक्ट्स बेस्ट बट नॉट एक्सक्लूसिवली. ये बहुत अच्छे से काम करता है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है. किस चीज़ का एक्सक्लूसिव नहीं है? ऑन पर्सन्स विद लाइट ब्लू आइज वाले पर्सन्स, मतलब लाइट ब्लू आइज वाले पर्सन्स में काम करने वाली और भी मेडिसिन होंगी. ये एक्सक्लूसिव नहीं है लेकिन अच्छा काम करती है, ये बताने की कोशिश की गई है. फ्लैक्सन हेयर, जिनके जो हेयर्स हैं वो पेल येलो कलर के होते हैं. लाइट आईब्रोज, जो आईब्रोज हैं वो लाइट कलर की होती है. फेयर डेलिकेट स्किन, तो ऐसे पर्सन्स की स्किन कैसी है? फेयर है, डेलिकेट है. ब्लॉन्ड रेड चीक्ड स्क्रॉफलेस गर्ल्स, ब्लॉन्ड मतलब वो एक कैटेगरी है कि पर्सन जो है वो जो ज़्यादा ही फेयर होता है उसको ब्लॉन्ड टर्म दिया जाता है, जिनके हेयर्स थोड़े से येलोइश होते हैं. रेड चीक्ड मैंने जो चीक्स हैं वो उनके रेड रेडिश अपीयर होते हैं. स्क्रॉफलेस गर्ल्स, स्क्रॉफलेस का मतलब होता है ऐसे, स्क्रॉफलेस टर्म जो है वो पहले ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, जाता था. स्क्रॉफलेस मीन्स टेंडेंसी टू हैव ग्लैंडुलर इफेक्शंस, स्पेशली सर्वाइकल ग्लैंड्स वगैरह में इन्फेक्शंस होने की टेंडेंसी हो जिनमें. सेंसेशन ऑफ कॉब वेब ऑन द फेस, तो मकड़ी के जाल जैसा सेंसेशन होता है फेस पे, कहीं जाला लगा हुआ है ऐसा सेंसेशन रहता है ब्रोमियम में. तो ऐसा ही बेरेटा कार में और बोरेक्स में और ग्रेफाइटिस में भी देखने को मिलता है. फैन लाइक मोशन ऑफ द एलाई नेजाई, जो नॉस्ट्रिल्स हैं उनका फैन लाइक मोशन होता रहता है. ऐसा ही एंटी टार्ट में, लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है. सेलर्स सफ़र फ्रॉम एजमा ऑन शोर, जो सेलर्स हैं वो जब किनारे पे आते हैं, शोर पे आते हैं, तो फिर अस्थमा की फीलिंग हो जाती है उनको. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी में सांस ले रहे होते हैं, फिर वो ड्राई कंडीशंस में आते हैं, तो फिर थोड़ा सा वो एज्मा वाली फीलिंग उनको आती है. स्टोनी हार्ड स्क्रॉफुलस और ट्यूबरकुलस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, स्टोनी मतलब पत्थर जैसा हार्ड, स्क्रॉफुलस और ट्यूबरकुलस, ये दोनों वर्ड एक साथ इसलिए दिए हैं क्योंकि एक क्लासिकल टर्म है, एक मॉडर्न टर्म है. यानी ट्यूबरकुलर स्वेलिंग हो ग्लैंड्स में, स्पेशली लोअर जॉ पे, थ्रोट पे. थ्रोट में कौन कौन सी ग्लैंड हो सकती हैं? थायरॉयड, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड, या इसके अलावा टेस्टिस में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो. डिप्थीरिया वेयर द मेम्ब्रेनस फॉर्म, मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फेरिंग्स, डिप्थीरिया ऐसी डिप्थीरिक कंडीशन में जहाँ पे फेरिंग्स में मेम्ब्रेन फॉर्म होने लग जाए. बेगिनिंग इन ब्रोंकाई, ट्रैकिया और लैरिंग्स, ये स्टार्ट कहाँ होता है? डिप्थीरिक मेम्ब्रेनस कंडीशन ब्रोंकाई में स्टार्ट हो रहा है, ट्रैकिया में या लैरिंग्स में. एंड एक्सटेंडिंग अपवर्ड, और ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है. चेस्ट पेन रनिंग अपवर्ड, जो चेस्ट पेन है वो भी ऊपर की तरफ भागता है, ऐसा अपीयर होता है. मेम्ब्रेनस एंड डिप्थीरिटिक क्रूप, ऐसी खांसी जो मेम्ब्रेनस है, जो डिप्थीरिटिक है, डिप्थीरिया से रिलेटेड है. मच रैटलिंग ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग कफ, खांसते टाइम बहुत ज़्यादा खरखराहट होती है, म्यूकस की आवाज़ आती है. बट नो चोकिंग, लेकिन गला नहीं बंद होता, म्यूकस होता नहीं है इतना ज़्यादा जितनी आवाज़ आती है, जैसा कि हेपर सल्फ में देखने को मिलता है. साउंड लूज बट नो एक्सपेक्टोरेशन, आवाज़ निकलती है, आवाज़ बहुत तेज़ निकलती है खांसने पर, लेकिन एक्सपेक्टोरेशन नहीं होता, अंदर से कुछ म्यूकस बाहर नहीं आता है, ऐसा एंटी टार्ट में भी देखने को मिलता है. क्रूपी सिम्टम्स विद हॉर्सनेस, देखिए क्रूप का मतलब होता है ड्राई कफ, जिसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा आती हो, तो ऐसे ड्राई कफ वाले सिम्टम्स आते हैं. हॉर्सनेस होती है, आवाज़ जो है वो बहुत तेज होती है, आवाज़ चेंज हो जाती है होपिंग कफ के दौरान. गैस्पिंग ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होती है उसको, स्ट्रगलिंग फॉर रेस्पिरेशन वाली टेंडेंसी, ये सांस लेने में दिक्कत हो रही है. डिस्निया, कैन नॉट इंस्पायर डीप इनफ, सांस लेने में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सांस ले नहीं सकता, सांस अंदर खींच नहीं सकता. एज ए ब्रीथिंग थ्रू अ स्पॉन्ज, ऐसी फीलिंग आती है जैसे स्पॉन्ज के थ्रू सांस खींच रहा हूँ. और द एयर पैसेजेस वेर फुल ऑफ स्मोक, या तो ऐसा फील होता है जैसे जो एयर पैसेज है, जो ब्रोंकाई है या ट्रैकिया है, उनमें धुआं भरा हो या सल्फर का वेपर भरा हो. रैटलिंग सॉइंग वॉइस इन ऑडिबल, रैटिंग का मतलब वही खरखराहट की आवाज़ आना, सॉइंग जो आरा मशीन चलती है उसके जैसा आवाज़, एकदम सरसराहट की आवाज़ आए. और वॉइस इनऑडिबल होती है, इनऑडिबल कहने का मतलब बोल नहीं पा रहे, आवाज़ बाहर नहीं आती है.
डेंजर ऑफ सफोकेशन फ्रॉम म्यूकस इन लैरिंग्स, लैरिंग्स में म्यूकस की वजह से सफोकेशन होने की टेंडेंसी होती है, सफोकेशन होने का खतरा होता है। इन ब्रोंकाई, अगर ब्रोंकाई में सफोकेशन होने की टेंडेंसी है तो एंटीटाल्ट है, वरना ब्रोमियो में। हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट फ्रॉम जिमनास्टिक्स इन ग्रोइंग बॉयज, जो बच्चे होते हैं ना जिमनास्टिक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं खूब सारी, तो उसकी वजह से हार्ट में हाइपरट्रॉफी हो गई हो। फ्रॉम कैलिस्थेनिक्स इन यंग चिल्ड्रेन, जो यंग गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स में कैलिस्थेनिक्स की वजह से। देखो कैलिस्थेनिक्स एक टाइप की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपने वेट से ही एक्सरसाइजेस करते हैं, कि कोई भी डंबल वगैरह ऐसे कुछ वेट्स का सहारा नहीं लेते, आप अपने बॉडी वेट से ही एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको कैलिस्थेनिक्स बोला जाता है। तो यंग गर्ल्स में अगर हाइपरट्रॉफी हुआ हो हार्ट का कैलिस्थेनिक्स की वजह से तो कॉस्टिकम इंडिकेट होता है। फाइजोमेट्रा, फाइजोमेट्रा मतलब होता है डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस में हवा भर गया उसकी वजह से। एंड लाउड इमिशन ऑफ फ्लैटस फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना के थ्रू फ्लैटस बाहर आता है, लाउड इमिशन होता है, आवाज़ के साथ हवा बाहर निकलती है, ऐसा लाइकोपोडियम में भी देखने को मिलता है। मेम्ब्रेनस डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेस होता है, उसके साथ साथ क्लॉटेड ब्लड बाहर आता है। मेम्ब्रेनस कहने का मतलब जो म्यूकस है वो बड़े बड़े क्लॉट्स में बाहर निकलता है, ऐसा लैक कैनाइना में भी देखने को मिलता है। कोल्ड सेंसेशन इन लैरिंग्स, लैरिंग्स में ठंडा लगता है, ठंडे का सेंसेशन होता है इंस्पिरेशन करने पर, ऐसा रस्टॉक्स और सल्फर में भी देखने को मिलता है। एंड एग्रेवेट आफ्टर शेविंग, दाढ़ी बनाने के बाद ये जो टेंडेंसी है ना ये बढ़ जाती है। एंड एम्लूरिएट आफ्टर शेविंग, तो कार्बो एनिमलिस इंडिकेट होता है, अगर दाढ़ी बनाने से बढ़ जाए तो रस्टॉक्स और सल्फर है, और अगर दाढ़ी बनाने से आराम हो जाए यानी मुंह धोने से या शेविंग करने से आराम हो तो कार्बो एनिमलिस हो गया। रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है क्रूप और क्रूपी अफेक्शंस में, मतलब ड्राई कफ वाली जब कंडीशंस होती हैं उसमें, तो क्लोरोफार्म है, हेपर है, आयोड है, स्पॉन्जिया है, इनका ब्रोमियम के साथ कंपैरिजन करके फिर देखते हैं कौन सी वेल इंडिकेटेड है। हार्ड ग्वाइटर क्योर्ड आफ्टर आयोड फेल्ड, अगर कोई हार्ड सा ग्वाइटर है थायराइड ग्लैंड का अफेक्शन, अगर वो ठीक हो गया है आयोडम से लेकिन ठीक होते होते फेल हो गया तो ब्रोमियम देना चाहिए, ब्रोमियम इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटेड रेमेडी इन दैट कंडीशन। ब्रोमियम हैज़ क्योर्ड इन क्रूप आफ्टर फेलियर ऑफ आयोड, अगर आयोड फेल हो गया हो, फॉस्फोरस फेल हुआ हो, हेपर स्पॉन्जिया फेल हुआ हो, तो ब्रोमियम जो है क्रूप की कंडीशंस को ठीक करता है, स्पेशली इन रिलैप्स आफ्टर आयोड, स्पेशली तब जब आयोड के बाद फिर से क्रूप लौट आया हो, फिर से खांसी हो गई हो, तो ब्रोमियम इज़ वेरी गुड इंडिकेटेड रेमेडी इन दैट केस। द चीफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रोमियम एंड आयोडीन इज़ द फॉर्मर क्योर्स द ब्लू आइड एंड लेटर द ब्लैक आइड पेशेंट, डॉक्टर हेरिंग का कहना है कि सबसे बड़ा जो डिस्टिंक्शन है ब्रोमियम और आयोडम के बीच में वो ये है कि पहले वाला यानी ब्रोमियम जो है वो ब्लू आइड पर्संस को क्योर करता है और बाद वाला यानी कि आयोडम ब्लैक आइड पेशेंट्स को ठीक करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट द टॉपिक्स यू वांट मी टू एक्सप्लेन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ ऑन होम्योपैथी।